नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भारत पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बावेन कुरुक्षेत्र में 75वें स्वतंत्रता दिवस को बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल की प्रिंसिपल सुनीता खन्ना ने सबको 15 अगस्त की बधाई दी। इस अवसर पर स्कूल के प्रबंधक कमेटी के प्रधान, पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कैलाशो सैनी, चेयरमैन ओम नाथ सैनी, जाने माने पत्रकार और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सबसे पहले कैलाशो सैनी ने राष्ट्रीय झंडा तिरंगा फहराया और कार्यक्रम को शुरू किया। फ्लैग होस्टिंग के शुभ अवसर पर स्कूल के चेयरमैन ओमनाथ सैनी के अतिरिक्त स्कूल की प्रिंसिपल सुनीता खन्ना, वाइस प्रिंसिपल विनोद कुमार, स्कूल का स्टाफ, बच्चे और उनके अभिभावक सभी उपस्थित थे। इसके बाद स्वतंत्रता दिवस के इस अमृत महोत्सव पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाबैन से हमारे संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। 15 अगस्त पर बच्चों के लिए संदेश तो काफ़ी ज़्यादा है, पर मुख्य रूप से यही कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से हमारे शहीदों ने अपने राष्ट्र की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपनी जवानी के सुख त्याग दिए सभी, और आज के यूथ में उसी प्रकार की भावना जब पैदा होगी तभी हम आज़ादी को बचा सकते हैं। मैंने नोट किया है कि यूथ हैव बिकम रूड एंड सैड, डायरेक्शनलेस, होपलेस फ्रॉम द फ्यूचर। मैं यूथ को यही कहना चाहूँगी कि अपने अंदर वही, और पेरेंट्स और टीचर्स मिलकर यूथ के अंदर वो वैल्यूज़ पैदा करें जो हमारे जंग आज़ादी के परवानों के अंदर थी, क्योंकि आज़ाद होना आज़ादी को बचाकर रखने से ज़्यादा सरल है। आज हमारा देश तरह तरह की आंतरिक समस्याओं से घिरा हुआ है, जैसे कि पावर्टी है, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और ये बरसों से देन है भ्रष्टाचार की हमारे देश को। हमारी सरकार इन समस्याओं से कॉप ऑफ करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बड़ी डिफरेंट पॉलिसी सरकार ने बनाई है कि ताकि गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी को और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ करके फेंका जा सके। इसमें यूथ की भी अहम भूमिका रहे, यूथ प्रण करे कि वो इन समस्याओं को उखाड़ने के लिए भी अगर अपने शरीर का भी त्याग करना पड़े, कुर्बानी देनी पड़े, इस तरह का जज्बा पैदा करना पड़ेगा यूथ को, तब जाकर के राष्ट्र की आज़ादी को बचाया जा सकता है। मेरा यही मेन संदेश है कि इंडियन को, हर भारतवासी को जहाँ भी कहीं मौका मिले देश के प्रति जज्बा दिखाने का, पीछे ना हटे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। हमारे शहीदों ने अंजाम देखा था, हम बड़े मज़े में आज आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। जब उन्होंने अंजाम की परवाह नहीं की तो हम क्यों करते हैं? आज तो फिर साइंस है, टेक्नोलॉजी है, देश के पास अपनी आर्मीज हैं, सेनाएं हैं तीनों बड़ी मजबूत। अब तो हमारे शहीदों के पास तो एक गोला भी नहीं होता था फेंकने के लिए। भगत सिंह ने भी पार्लियामेंट में अंग्रेजों के कान खोलने के लिए जो बम फेंका था, पता नहीं कहाँ से बनाया, उन्होंने खुद क्रिएट करा उसको, महीनों की तपस्या के बाद फिर वहाँ जा करके वो फेंका, ये भी नहीं होता था। आप देखो, उन्होंने ऐसे माहौल में आज़ादी ले ली, और आज तो बरकरार ही रखना है। हम मानते हैं कि मुश्किल होता है आज़ादी को बचा करके रखना, पर फिर भी संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, हम रख सकते हैं। हमें प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी यूथ को खासतौर पर, और हर भारतवासी को धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।